इंदौर पुलिस लगातार भू माफियाओं पर कार्यवाही कर रही थी, पर लॉकडाउन लगने के चलते कार्यवाही पर अंकुश लग गया था, जिसमें लॉकडाउन के बाद क्राइम ब्रांच द्वारा फरार भू माफियाओं पर फिर से कार्यवाही चालू करते हुए फरार भू माफिया हैप्पी धवन और लक्की धवन को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। लॉकडाउन खुलने के बाद इंदौर पुलिस व क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्यवाही करते हुए फरार दो भू माफिया हैप्पी धवन व लक्की धवन को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस द्वारा हैप्पी धवन पर 30,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसके बाद आरोपी हैप्पी धवन और उसके भाई लक्की धवन को बाणगंगा थाना क्षेत्र की कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में फर्जी तरीके से प्लॉट बेचने व कई लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाने के आरोप में कई थाना क्षेत्रों में मामले दर्ज थे, जिसके बाद क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि फरार भू माफिया हैप्पी धवन अपने घर पर आया हुआ है, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने टीम गठित कर आरोपी को उसके निवास गीता भवन से गिरफ्तार किया। वहीं फरार भू माफिया हैप्पी धवन पुलिस को देखकर अपने घर की अलमारी में जा छुपा। वहीं उचित कार्य के लिए आईजी विवेक शर्मा ने क्राइम ब्रांच की टीम को 30,000 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया। आज सुबह इंदौर पुलिस के द्वारा, क्राइम ब्रांच के द्वारा थाने के साथ मिलकर एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 6 महीने से फरार 30,000 रुपये के इनामी जितेंद्र उर्फ हैप्पी धवन को गिरफ्तार किया गया है, जो कि इसके विरुद्ध 4 मामले बाणगंगा थाने में पंजीबद्ध हैं, जिन्होंने कालिंदी गोल्ड सिटी नामक एक कॉलोनी बनाई थी और उसमें काफ़ी सारे लोगों को ठगा था। लोगों को से पैसे लिए गए थे, पैसे पूरे मिलने के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट उनको दिया गया था और उसके उपरांत भी उनको उनका प्लॉट नहीं दिया गया था, जिस कारण जो माफिया के विरुद्ध जो अभियान जब चला था तो उसमें 4 केस पंजीबद्ध हुए थे, परंतु हैप्पी धवन फरार होने से गिरफ्तार नहीं हो पाया था। आज सुबह पुलिस को ये सफलता प्राप्त हुई है और वो उसको शरण देने में उसका भाई जो लक्की धवन है वो भी शामिल था और उसके विरुद्ध भी ऐसे फरार अपराधी को शरण देने के सेक्शंस में 212-16 की इसमें कार्रवाई उसके विरुद्ध भी की गई है और आगे भी पुलिस इस मुहिम को जारी रखेगी। अब लॉकडाउन खुल गया है तो अब पुलिस इन ऐसे फरार अपराधियों के विरुद्ध सक्रिय रहेगी और जो उनको शरण देगा उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, मैंने आपको बताया मामले अभी जो हैं आपको विदित है कि पिछले 3 महीने से करीब हम इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए थे, हमारी प्रायोरिटीज़ दूसरी थी। अब पुराने मामलों की इन्वेस्टिगेशन भी होगी, उसमें जो भी हमारे को जो तथ्य, जो हमारे को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए वो भी कलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे सहकारी से भी जुड़े हुए थे और सहकारी ऑफिस भी बंद थे तो हम वो डॉक्यूमेंट्स नहीं ले पाए थे। तो एक बार जब विवेचना इस नतीजे पे पहुंचेगी कि फला व्यक्ति के खिलाफ अपराध सिद्ध हो गया है, तब हम उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हम कई अपराधी जो अभी तक फरार थे उनको हम सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे।